ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे आत्मविमोह के बारे में। आत्मविमोह एक बीमारी है जिसे ऑटिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ऑटिज्म क्या है। आत्मविमोह मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक मानसिक रोग है जो मस्तिष्क के कई भागों को प्रभावित करता है। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य होता है। अभी ऑटिज्म के सामान्य लक्षण जो है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑटिज्म मतलब आत्मविमोह के लक्षण बच्चों के 3 साल की उम्र होने से पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होते हैं, वे लोगों की ओर ना देखते हैं ना मुस्कुराते हैं और ज्यादातर अपना नाम पुकारे जाने पर भी सामान्यतः कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। हाल की एक समीक्षा के अनुसार प्रति 1,000 लोगों के पीछे 2 मामले ऑटिज्म के होते हैं। पिछले कुछ दशकों में ऑटिज्म के मामलों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, जिसका एक कारण चिकित्सीय निदान के क्षेत्र में हुआ विकास है। लेकिन क्या असल में ये मामले बढ़े हैं, यह एक प्रश्न है जिसका कोई उत्तर अभी तक मिला नहीं है। अभी हम आते हैं इसके कारण क्या है। अनुशोधों के अनुसार पर आत्मविमोह ऑटिज्म होने के कई कारण होते हैं, जैसे मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना, मस्तिष्क में रसायनों में असामान्यता, अनुवांशिक आधार। परिणाम बताते हैं कि कम अंतराल पर हुई गर्भावस्था में जन्म लेने वाले बच्चों में ऑटिज्म विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। अभी हम आते हैं इसके उपचार के ऊपर। तो इसके सामान्य जो उपचार हैं, वो शुरुआती संज्ञानात्मक या व्यवहारिक हस्तक्षेप ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑटिज्म को एक बीमारी की बजाय एक स्थिति के नजरिए से देखना ज्यादा अच्छा है। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आपको जो व्यवहार करना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। खेल खेल में नए शब्द का प्रयोग करना चाहिए, खिलौनों के साथ खेलने का सही तरीका दिखाना चाहिए, बारी बारी से खेलने की आदत डालें, धीरे धीरे खेल में लोगों की संख्या को बढ़ाते जाएं, छोटे छोटे वाक्यों में बात करें, साधारण भाषा का प्रयोग करें, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को जोड़कर बोलना सिखाएं, पहले समझना या फिर बोलना सिखाएं। यदि बच्चा बोल पा रहा है तो उसे शाबाशी दें और बार बार बोलने के लिए प्रेरित करें। बच्चे को अगर वो नहीं बोल पाए तो तस्वीर की तरफ इशारा करके अपनी जरूरतों के बारे में बोलना सिखाएं। बच्चे को अपनी जरूरतों पे बोलने का मौका दिया जाए। बच्चे को घर के अलावा अन्य लोगों से नियमित रूप से मिलने का मौका दीजिए। बच्चों को तनाव मुक्त स्थान जैसे पार्क, बिल्कुल शांति की जो जगह है, वैसी जगहों पे लेके जाए। अन्य लोगों को बच्चों के साथ बात करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के साथ धीरे धीरे समय व्यतीत कीजिए, फिर उस समय को बढ़ाते समय नजर मिलाकर बात करने की कोशिश करें। बच्चों कहें कि तुम भी मेरी नजरों में आंखों में आंखें डालकर बात करो। तो उसके किसी भी प्रयत्न को प्रोत्साहित करना ना भूले। अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दीजिए। यदि बच्चा कोई एक व्यवहार बार बार करता है तो उसे रोकने के लिए उसे कुछ गतिविधियों में लगाएं और उसे व्यस्त रखें ताकि वह व्यवहार दोहरा ना सके। गलत व्यवहार दोहराने पर बच्चे को कुछ ऐसा काम करना है जो उसे पसंद नहीं है। यदि बच्चा कुछ देर गलत व्यवहार न करे तो उसे तुरंत प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित के लिए रंग बिरंगी, चमकीली और ध्यान खींचने वाली चीजों का इस्तेमाल करें। बच्चे को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए सही मार्ग दिखाएं, जैसा कि उसे तेज व्यायाम, दौड़ तथा बाहरी खेलों में उसे लगाइए। यदि परेशानी अधिक हो तो मनोचिकित्सक के द्वारा दी गई दवा का उपयोग भी किया जा सकता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।